जय द्वारकाधीश। तो आज हम लोग न्यू ब्लॉग के शुरुआत में आए हैं द्वारका नगरी, जो कि कृष्ण भगवान का मंदिर है और द्वारकाधीश के नाम के देवों का देव कृष्ण भगवान का, जो कि बहुत बड़ा मंदिर है, जो कि आज हम लोग वहां जा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से देखिए रास्ते हैं जो कि सामने दिख रहा है, बहुत लाजवाब है। सुबह का टाइम हो गया है, देखिए इस तरह से हमारे साथ घूमने वाले सब आए हैं। फिर देखिए ये बिजली का कुछ इस तरह से खंभा लगा हुआ है, जो कि इसको कुछ अलग प्रकार का नाम दिया है, हूँ बताओ ने, पवन चक्की। तो पवन चक्की है जो कि इससे बिजली भी उत्पन्न होता है। इस तरह से हमारे भाई बहन सब आए हैं, जो कि हम लोग आज कृष्ण भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए फिर रास्ता इस तरह से है, फिर निकलते हैं। देख लो जय द्वारकाधीश। हम आज द्वारका नगरी देव क्या बोलते हैं, देव नगरी द्वारका आए हैं, जो कि कृष्ण भगवान का मंदिर है बहुत बड़ा, वहाँ दर्शन करने के लिए। तो इस तरह से रास्ते हैं कुछ, देखिए सुबह का टाइम है, ऐसे सब के सब हमारे दोस्त यार लोग आए हैं घूमने के लिए। और देखिए पवन चक्की भी चल रही है, क्योंकि ऑटोमेटिक इसमें से लाइट उत्पन्न होता है। यही रास्ता है द्वारका जाने के लिए। तो द्वारका के इस तरह से रास्ते हैं, तो हम लोग चलते हैं फिर वहाँ जाके मेन गेट से फिर एंट्री होंगे। जय द्वारकाधीश। तो गाइज फाइनली हम लोग आ गए हैं द्वारका, जो कि देखिए कुछ इस तरह से बोर्ड है, जो कि दोनों साइड में हाथी के प्रतिमा लगे हुए हैं और कुछ गेट ऐसा है जो कि द्वारा बत्ती मोक्ष द्वार इस तरह से लिखा हुआ है। देखिए गेट इस तरह से है कुछ। चलिए फिर इसके अंदर निकलते हैं। अंदर आ गए, अंदर आने के बाद देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे जो कि टिकट लगता है, एंट्री फीस जो कि 50 रुपया कुछ है। देखिए इस तरह से लाइन लगी हुई है गाड़ी की, ये सब के सब टोटल अंदर जाने के लिए ही है। एक एक करके फिर सबको एंट्री फीस लगेगी, उसके बाद फिर सब अंदर जाएंगे। ऐसे तो पार्किंग यहाँ खड़ी करते थे इससे पहले, जब ज़्यादा भीड़ होने के वजह से, जो है कि ज़्यादा पब्लिक होने की वजह से, जो कि यहाँ पर पार्क होता था, मगर अभी क्या है कि अभी डायरेक्ट अंदर ही चला जाता है, क्योंकि अभी पब्लिक बहुत कम है इसके वजह से। चलिए फिर आगे का, फिर आगे चला जो तो लो चालू है के बंद है, चालू है। हले रुमाल अ छोटू लो। फाइनली मंदिर का तो दर्शन हो गया। मंदिर का दर्शन करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से है त्रिवेणी घाट, जो कि त्रिवेणी संगम इसको भी बोला जाता है। देखिए कुछ इस तरह से पुल वगैरह टोटल ऐसे, अभी ये सूख गया है, अभी गर्मी का टाइम है ना, इसके वजह से ये सूख गया है, नहीं तो बहुत सारा पानी होता था। फिर भी हम लोग चल के पानी के अंदर से आए हैं। और फिर देखिए इस तरह से
वो पुल बना के बनाया हुआ है लोहे का, जो कि इसके ऊपर चढ़ने नहीं देते। पता नहीं कमजोर हो गया है कि क्या हो गया मालूम नहीं, मगर देखने का बहुत दृश्य लाजवाब है। देखिए कुछ इस तरह से बनाया गया है। कुछ दिन पहले जब नया था तब चालू किया था, बाकी अभी बंद है। चलिए फिर आगे निकलते हैं, सामने जो कि बहुत समुंदर है वहाँ का भी नज़ारा देख लेते हैं एक बार। देखिए इस तरह से पब्लिक लोग जा रहे हैं। हाथ लटलट काहे कर रहा है? देखिए नदी के इस पार से कुछ इस तरह का दृश्य दिख रहा है, जो कि सामने नहाने वाले सबका नज़ारा है। कुछ देखिए नहाने वाले का कुछ इस तरह से दृश्य है जो कि सामने दिख रहा है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है नहाना मना है। देखिए डेंजर, स्नान करवाने मना इच्छे, ऐसा लिखा हुआ है। फिर भी आदमी लोग नहा रहे हैं क्योंकि ये बहता पानी है, कभी भी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है, इसके वजह से नहाने के लिए मना किया है। देखिए फिर भी इस तरह से यहाँ का दृश्य दिखता है। यहाँ से देखने के बाद पूरी द्वारका नगरी दिखती है, जो कि बहुत लाजवाब है। दूसरी पार कुछ इस तरह से है, जो कि देखिए पूरा रेगिस्तान बना हुआ है, समुद्र के अंदर रेगिस्तान, जो कि दूर दूर तक का कुछ दिखाई नहीं देता है, जो कि इसके आगे भी समुद्र है। ये सेटिंग नहीं हुआ, ये सामने क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा नहीं हो रहा है। तो फाइनली गाइज हम समुद्र के किनारे आ गए हैं, जो कि देख सकते हैं इस तरह से है यहाँ के नज़ारे, जो कि लास्ट समुद्र के साइड आ गए हैं। इस पर देखिए कुछ इस तरह के नज़ारे दिख रहे हैं यहाँ पे। ऐसा बताया गया कि यहाँ पे जो कि द्वारका नगरी समुद्र के किनारे है, मगर हम लोगों को पता नहीं चल रहा है, क्योंकि पता नहीं चलता कहाँ से वो, और बोल रहे हैं कि पनडुब्बी सामरीन भी है, मगर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। फिर भी देखिए कुछ इस तरह से यहाँ के दृश्य है। चलिए आपको दिखाते हैं फिर। बहुत परेशानी हुआ यहाँ तक आने में, जो कि देख सकते हैं बहुत सारा पत्थर दिया गया है यहाँ पे, जो कि आगे पानी का लहर ना जा सके, जो कि मंदिर को कोई नुकसान ही ना हो, इसके वजह से। देखिए समुद्र की नहरें कुछ इस तरह से है। ये लास्ट में जाके यहाँ भी पहले अभी वो साइड जाना बाकी है, क्योंकि उधर का भी नज़ारा कुछ अलग दिख रहा है। अभी तो बहुत घूमना बाकी है, बहुत बड़ा ब्लॉक बन सकता है। फिर देखिए इस तरह से ये बच्चे लोग जो कि बोल रहे थे हम लोगों का भी, ए भाई, ये सब हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कि सामने दिखे। हाँ तो कुछ बोलना है आप लोगों को? देखिए फिर हम आगे सामने बहुत दूर है। देखिए दूरी आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चल जाएगा।
देखिए कुछ जाने के रास्ते कुछ इस तरह से है, क्योंकि बहुत परेशानी हुआ जाने में, फिर भी देखिए इसके अंदर कुछ ऐसे लोग नहा रहे हैं जो कि मना है, फिर भी और सबसे डेंजर बात तो ये है कि यहाँ देखिए सामने जो कि कितने अंदर जाके नहा रहे हैं, जो कि बिल्कुल मना, सरकार की तरफ से तो मना ही है, अगर कुछ हो जाता है तो फिर ये सरकार जवाबदारी लेगी, वही प्रॉब्लम पड़ता है, यहाँ गलती करे इंसान मगर चलिए दूसरी साइड भी आ गए हम। देखिए इस तरह से यहाँ का भी कुछ दृश्य है, पत्थर देखिए बहुत गजब का दिख रहा है, यहाँ का अलग प्रकार का पत्थर है, ऊपर जो दिखाया वो अलग प्रकार का पत्थर था। अभी देखिए इस तरह से ये लोग बैठे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये बैठ बैठ के पानी का मजा ले रहे हैं कि हवा खा रहे हैं पता नहीं चलता। समुद्र का किनारा बहुत लाजवाब होता है, देखने वाले देखते ही रह जाते हैं, देख ही देखिए पानी की लहरें कुछ इस तरह से निकलती हुई, भले ना मैं बूट हाथ में हुए हाल से, जैसे कि उधर तो आपको दिखा दिया, दूसरी साइड जैसे कि हम लोग आए तो हमारे साथ जितने भी लोग थे सबके सब, देखिए इस तरह से है, सब हमारे सब्सक्राइबर है और हमारे साथ घूमने वाले भी हैं, जो कि ब्लॉग के साथ साथ ये लोग हमारे सपोर्ट भी करते हैं, अच्छा खासा सब्सक्राइबर भी बढ़ा दिए हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से है, तुम्हारा नाम नाम बोलो या हमें अंकित संजय, आपका नाम संजय, आपका नाम मितेश, योगेश, आशीष। हाँ तो इस तरह से थे हमारे साथ जाने वाले घूमने के लिए, अभी यहाँ से फिर हम लोग यहाँ का पूरी तरह से दर्शन हो जाने के बाद जो कि यहाँ से बेट द्वारका जाएंगे, जो कि सुदर्शन सेतु अभी हाल में ही मोदी सरकार उनका उद्घाटन किया है, तो वहाँ का भी आपको दूसरा ब्लॉग में देखने के लिए मिल सकता है, ये मिलेगा। तो चलिए फिर आगे और कुछ नज़ारे दिखाना बाकी है, जय द्वारकाधीश। अजय आगर नो तो बाकी है ना, हां इधर आओ, इनले के रेल के ना आवे ने कैपेसिटी होई ने, तो बोला थोड़ा हम भी देख लेते हैं। देखिए लहरें की गहराई में जाने के बाद किस तरह से पानी का छलांग मारता है, जो कि बहुत जूता चप्पल सब गीला कर देता है। फिर देखिए इधर अच्छा खासा माल पानी सब घूमने आए हैं, जो कि बहुत मस्त मस्त आइटम है, देख सकते हैं। आजा आजा तू भी आजा, तू भी आजा, फाइनली यहाँ का हम लोग तो घूम लिए पूरी तरह से, बहुत मजा आया, अब यहाँ से चलते हैं बेट द्वारका। तो चलिए फिर निकलते हैं आगे, फटी क्यों नहीं फटी, केकड़ा है ये, है ना छोटू,
देखिए इस तरह से फिर अंदर घुसना पड़ता है पानी में, जो कि पानी का नज़ारा कुछ पानी सूख गया है, नहीं तो इस टाइम में बहुत ज़्यादा पानी होता था। देखिए बस इसी में सब लोग जैसे घुस रहे हैं इसी तरह हम लोगों को भी घुस के उस पार होना पड़ता है। देखिए पानी बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, अब पता नहीं हम लोग कैसे जाएंगे। उस टाइम में आए थे तो बहुत कम पानी था, अभी बहुत ज़्यादा पानी हो गया। तो चलिए इसके अंदर चलते, बहुत कम पानी था, अभी देखिए धीरे 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 पानी बढ़ते जा रहा है। देखिए इसी तरह से सबको घुस के पार होना पड़ता है, फिर हमें भी इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर अगर रुक जाएंगे तो कमर इतना पानी हो जाएगी, ये पूरा जितना दिख रहा है ना सबका सब भर जाएगा। बहुत कम पानी था, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही इतना पानी हुआ है, देखो अभी भी इधर सूखा हुआ है, मगर ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। सब के सब बूट हाथ में लेके चल रहे हैं, देखिए इतना कुछ इस तरह से पानी है। पहले हम लोग बूट लेके गए थे, अभी बूट हाथ में लेके घूमना पड़ रहा है क्योंकि पानी इतना ज्यादा हो गया। अभी एक शाम तक होते होते एक फिर बोट से सबको जाना पड़ता है, भैया पता ही नहीं चलता कब कितना पानी हो जाएगा इसके अंदर। देखिए देखिए सारे सारे पानी के अंदर से ही जा रहा है। नहीं होगा के लिए हाथ में लिया है, लगा देगा चालू है। क्या है? नहीं नहीं आइए सब हाँ तो गाइस, हाँ तो गाइस फाइनली हम लोग दर्शन करने के लिए आ गए हैं, जो कि अभी जस्ट जूता घर के सामने जो कि जूता सामान मोबाइल जो भी कुछ जमा करने के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से सब सामान अंदर कुछ मोबाइल वगैरह जाने नहीं देता है, जो कि हम अभी यहाँ खड़े हैं। बस थोड़ी देर में फिर यहाँ से जमा करने के बाद फिर आगे निकलेंगे दर्शन के लिए। चलिए फिर जमा कर देते हैं, बाद में दर्शन करेंगे। यहाँ का ले लो जमा करने, वहां तो कोई बात नहीं है, दिखा दो जूता का सामान आ जाओ। फाइनली गाइस जूता सब हो गया, मगर क्या है कि मोबाइल हमें लेके आना पड़ा, इसलिए कि हमें ब्लॉग बनाना था इसके वजह से। चलिए फिर देखते हैं कहां तक जाने देता है मोबाइल। हम फिर भी नफन खाली थोड़ा मिठाई विठाई दिखा दो। कुछ इस तरह से जाने का रास्ता है अंदर मंदिर की तरफ जाने के लिए, जो कि मंदिर में नोट अलाउड है कैमरा वगैरह। चलो यहाँ का फेमस मिठाई वगैरह देखिए इस तरह से यहाँ मिलता है, जो कि बहुत प्रकार की मिठाइयाँ सामान है, जैसे कि द्वारकाधीश का तस्वीरें, साड़ी जो भी चीज चाहिए सब मिल जाता है यहाँ पे। देखिए इस तरह से कुछ झालर वगैरह, फाइनली गाइस जैसे कि दर्शन तो हो गया, दर्शन होने के बाद बहुत ज़्यादा बहुत परेशानी हुआ हम लोगों को,
परेशानी क्या, दो दो तीन तीन घंटा हम लोगों को रुकना पड़ा वहाँ पे, वो भी धूप में, और धूप इतना तेज है कि बात जाने दीजिए, फिर भी दर्शन हो गया। बोलते हैं ना, अगर दुख आती है तो सुख भी आता है, तो दुख थोड़ा सा कष्ट तो हुआ मगर सुख आया, फिर दर्शन करके फिर चलिए हम लोग फिर निकलते हैं अब यहाँ से बेट द्वारका के लिए। और फिर चलिए फिर आगे भी थोड़ा दूसरी साइड तो हमने देख लिया, दूसरी साइड जो कि चलते हैं वहाँ भी थोड़ा नदी किनारा, समुद्र का किनारा है जो कि सीढ़ी वगैरह बना हुआ है, तो उस साइड भी जरा देख लेते हैं क्या है नहीं है। चलिए फिर आगे चलिए गाइस, तो अब चलते हैं उस साइड में, उस साइड का भी थोड़ा नजारा देख लेते हैं क्या है उधर भी। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे शंख वगैरह मिलता है जो कि सही से लो शंख, देखिए बहुत प्रकार के शंख और शीशे वगैरह दिखाई देते हैं। जूम ज्यादा मत करो, थोड़ा कम करो, चारों साइड घुमा के दिखाओ। लो पंखा है ना, देखिए अभी कुछ देर पहले हम लोग चल के पुल पार किए थे, ये नदी जो कि समुन्द्र का किनारा है, और अभी जस्ट देखिए एक घंटे के बाद किस तरह से पानी भर गया है जो कि नाव अपने आप चलने लगा, यही चमत्कार है यहाँ के। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कृपया स्नान ना करें। देखिए कुछ इस तरह से भीड़ है, अभी कोई त्योहार नहीं है इसके वजह से भी फिर भी भीड़ बहुत ज्यादा है। दूसरी साइड में देखिए इस तरह से शिव शंकर भोले महादेव का शिवलिंग है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप लगा रहता है। देखिए मछली का बहाव, पता नहीं कहां से आया इतना सारा मछली। अभी एक घंटा पहले बिल्कुल सूखा हुआ था जो कि हम लोग पैदल चल के उस पार हुए थे, जो कि अभी देखिए कोई भी उस पार में नहीं है, बस अलर्ट कर दिया गया है सबको। अभी कुछ देर पहले पूरा भीड़ लगा हुआ था और अभी देखिए पूरा खाली। तो ये है यहाँ द्वारकाधीश का चमत्कार। गाइज मछली देखिए, मछली, इतना सारा मछली शायद ही कभी देखे होंगे जो कि देख सकते हैं। इतना तेज है मछली की, चढ़ता रही है उतरता है, पानी भी बहुत तेज चल रहा है। अभी मछली का तस्वीर सिर्फ लेने के चक्कर में हमें गीला होना पड़ेगा ऐसा लगता है। थोड़ी देर तो रुक जा, ये रुक नहीं सकता क्या? ए गोप्रो ला दो, गोप्रो से ला दो, आए पानी में नहीं डालेंगे, इधर से लो ना, यहाँ यहाँ देखो गाइस मछली मछली। बाल ठीक है, बाल ठीक है, जय द्वारकाधीश। हाँ तो गाइज हमारा दर्शन हो गया द्वारकाधीश का, बहुत परेशानी हुआ और अच्छा खासा मेहनत भी करना पड़ा,
जो कि समझिए ना कि 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक में दर्शन हुआ। और ये जो सामने दिख रहा है अभी कुछ देर पहले पूरा एकदम सूखा हुआ था, अभी देखिए जस्ट आधे घंटे के अंदर पूरा पूरा यहाँ से वहाँ तक नहर बहने लगी। अभी हम लोग वो लाइव भी आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ से चल के गए थे उस पार, जो कि सामने देखिए उस पार, अभी वहाँ जाने के लिए नाव करना पड़ता है, जो कि नाव पहले सूखे में पड़ा था, अभी देखिए किस तरह से दमक कर रहा है। मतलब कहने का होता है कि सुबह का टाइम में अगर आप आते हैं ना तो ये सूख जाता है, फिर शाम दोपहर जैसे होता है ना तो फिर इसकी जो बहाव होती है ना ये बढ़ने लगता है, इसके वजह से अभी पानी पूरा फुल हो गया है, सामने भी देख सकते हैं। मंदिर भी लाजवाब था और जय द्वारका द्वारकाधीश तो थे ही, मगर क्या है कि थोड़ा परेशानी बहुत ज़्यादा हुआ। तो अगर आप लोगों को संदेश यही है कि अगर कभी आना हो तो इस टाइम में मत आइए, ठंडी के टाइम में आएंगे तो बेहतर होगा। तो जय द्वारकाधीश, जय नजदीक से जाता जय द्वारकाधीश। तो स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में, जो कि आज हम लोग आए हैं वेट द्वारका। वेट द्वारका जो कि अभी 1 महीने से लेकर 1.5 महीने के अंदर में जो कि सुदर्शन सेतु एक पुल बना है, जो कि ब्रिज कहे पुल कहे जो भी कह सकते हैं, तो ये गिनीज बुक में लिखा गया है, जो कि ये बहुत जबरदस्त पुल है, जो कि आप देख सकते हैं इतनी बेहतरीन है कि आप अगर एक बार देख लिए तो देखने के बाद आपका जरूर इच्छा करेगा कि एक बार हम यहाँ घूमने के लिए आए, जो कि हमारा भी इच्छा किया था इसीलिए हम आज आए हैं। तो चलिए आज हम पुल को नजदीक से दिखाते हैं और कुछ समुद्र के किनारे और समुद्र का भी नज़ारे आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो फिर ठीक है, देखते रहिए इसको, ये देखते ही सो गया, अब सोया है ऐसे जैसे भी एक बार पलटे तो डायरेक्ट ये कहाँ जाके गिरेगा पता नहीं, फिर भी इधर ऐसे सेफ्टी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, गिरेगा नहीं। तो घूमने के लिए कुछ ऐसा दिया गया है जो कि ब्रिज के ऊपर ही है,
और ब्रिज के सामने गाड़ी भी खड़ी कर सकते हैं, ब्रिज के ऊपर ही। इस तरह से हमने गाड़ी खड़ी की है, बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई है दोनों साइड। देखिए इधर भी इस तरह से गया, पूरे यहां से लेकर ब्रिज तक इसी तरह का मतलब राउंड बनाया गया है, जो कि देखने के लिए देखने में बहुत जबरदस्त है। और कहीं कहीं अभी इसका रेनोवेशन भी चालू है। देखिए कितनी लंबाई दिख रहा है, कितने दूर तक गुफे की तरह बना रखा है। फिर देखिए समुद्र का नजारा, फिर अभी बोट पे भी जाएंगे, बोट का भी नजारा दिखाएंगे आपको। ये समुद्र के ऊपर स्थित है ये पुल। चलिए तो ये साइड का तो आपने देख लिया, अब दूसरी साइड चलते हैं जो कि राइट साइड है। राइट साइड फिर चलिए, राइट साइड देखते हैं किस तरह का। मैंने पता भी नहीं चलता कि ये रोड पहले समुद्र था कि क्या था, अभी पुल रोड बनने के, रोड इतना जबरदस्त बना है कि जैसे भारत में यह पहला रोड है जो कि बहुत लाजवाब है। और ये लाइट भी इस तरह से लगाया गया है जो कि ये नाइट का नज़ारा कुछ देखने के लिए। हम लोग यहाँ 9 बजे तक ठहरने वाले हैं जो कि नाइट का नज़ारा भी आपको दिखाएंगे। चलिए फिर दूसरी साइड चलते हैं। बना ले तो वीडियो जनक बनाए। अभी वो पहली साइड था जो कि दूसरी साइड है। दूसरी साइड में देखिए स्वयं ये घूमने के लिए, टूरिज्म के लिए बनाया गया है कि आप गाड़ी साइड में खड़ी करके आप घूम सकते हो। देखिए उधर भी इस तरह से दिख रहा है। फिर ये साइड भी उसी तरह का है। ये देखिए सामने बोर्ड लगी हुई है, बहुत जबरदस्त बोर्ड है। टाइटेनिक तो नहीं है मगर टाइटेनिक जैसा ही, एक नहीं बहुत सारा है। देखिए सामने इधर वो आगे भी बहुत सारा लगा हुआ है, वहां जाने का अगर रास्ता होता तो जरूर जाते हैं। फिर भी देखेंगे कोशिश करके, अगर जाने का रास्ता होगा तो जरूर जाएंगे उधर भी। वो पुल जैसा दिख रहा है, पता नहीं क्या है। बे है ना बहुत आगड़ आगड़ आले हो। हेलो, चार्जिंग बहुत खाता है वो। अरे भाई ध्यान से खोलो यार, आवाज आई वो मने मने आवाज आई वो जोरदार। ते क्यों घे नहीं रहते खोलू। ओला ना साइड में भी हवा दियो, निकाल लो, वो थोड़ी ना खींच पाएगा कोई। गाड़ी में गर्मी बदारे लगे हो ने? अरे रुको ना यार, मोजा पहने तो ना। ये यार हूँ ठेकेदार लेन, ठेकेदारी लेन बैठो है। गम्मे त्यारे ये मच करे है, किधर गए वो लोग पता नहीं किधर गए। पीछे जाए तुम लोग, पीछे जाए। બધા પોત પોતાની ઘરવાળી લઈને આવજો એક ફેરે।
गर्लफ्रेंड से के घरवाड़ी से घरवाड़ी हम तेरे इश्क में अत्यारे काई जरूरत नहीं भाई आ से हूं जो लटका है क्रेन ऊपर देखना ये मना लटका है दिखाई और ये से हूं देखना करना देखना न देखनो यार यो गाड़ी की ब्रेक करो करियो देखना काम करे है ना ये हां जी काम करे अरे बाप रे बाप ऋषि अरे ये तो ठीक अपन आ जो ने केवड़ा मोटा मोटा बांधा है तो सपोर्ट तो मारो पड़े तो रे उभरे के रोकवा दिए है हां जाओ दी नहीं रखा फरम रास्तो से आ ए तुम्हें हूं यार राखी दियो घड़ी थे ना ये रखो मारा अपना जाओ किसका ठिकाने से यहां जाओ दियो नहीं आईफोन का उस वो बहुत जल्दी अभी जो हमने आपको दिखाया वो दूर का दिखाया अब नजदीक से लेते हैं नजदीक से देखिए नजदीक सामने नजदीक से दिखाते हैं आइए लोहे की मजबूती आप देख आपका दिमाग काम नहीं करेगा इतना ज्यादा पता नहीं कितना वजन होगा हमें भी पता नहीं है बहुत जबरदस्त ऐसा लगे तो कभी एक बार आप घूमने के लिए आओ और सेम सेम एक नहीं एक ये दूसरा इधर धूप आ रहा है इधर नहीं लेकर सामने तक बिल्कुल एक जैसा ही दिख रहा है ये दोनों साइड इसकी हाइट देखिए खत्म हो जाएगा जैसे आप देख सकते हैं हम लोग सुदर्शन सेतु के ऊपर अभी खड़े हैं जो कि ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है तो हमारे साथ देखिए इतने सारे लोग हैं जो कि बहुत खोज में है तो हम यहाँ भी है बहुत एंजॉय किया सुबह से अभी का टाइम 5 बजने वाला और हम लोग अभी 9 बजे तक यहाँ रहने वाले और भी एंजॉय करेंगे और ग्रुप में बने रहेंगे देखिए इस तरह से मिट्टी के हमारे कहाँ चढ़ के आए और दूसरा इधर देख सकते हैं देखिए यहाँ खाली शूटिंग का शूटिंग दूसरा और कोई काम ही नहीं है हाँ भाई तो आप एक अगैया दूसरा ये पता नहीं सोया हुआ था कि क्या बोलता है दोपहर से अभी तक कितने शूटिंग लो था शूटिंग ले लेके पूरा कैमरा फेल कर दिया हाँ चालू है तो गाइस फाइनली हम बेट द्वारका आ गए हैं बेट द्वारका जो कि पहले हम लोग बोट से आते थे बोट से आने के मतलब कि बोट से ये रास्ते से हम लोग वहाँ छोड़ता था सामने हम लोग आते थे तो अभी क्या है कि यह रास्ता बंद हो गया मतलब बोट का काम ही पूरा बंद हो गया देख सकते हैं कि बोट सबके सब ऐसे ही पेंडिंग में पड़ा है कोई इसका कोई भी यूज नहीं है सिर्फ मछली मारने में यूज होता है बाकी और किसी चीज में नहीं होता देखिए सामने बोट बना हुआ है बोट ऐसे ही पड़ा है बांध बांध के रखा गया तो इसमें कहने का मतलब ये है बंद होने का कारण है कि सामने देखिए ब्रिज बना ये बेट द्वारका का ब्रिज है क्योंकि अभी ये चालू हो गया अभी बस 1 से 1.5 महीना हुआ है उसको चालू होने से अभी जो हम जहाँ की पूरी भीड़ लगती थी अभी देखिए ये पूरा खाली है
अभी इधर से जाने के लिए पर्यटकों के कोई साधन ही नहीं रहा, अभी इधर से कोई जाते भी नहीं है। इधर वो आपको नहीं बोल रहा हूँ, इधर बोल रहा हूँ कैमरे में, आप आगे बढ़ो। हो गया, फिर चलते हैं आगे, आगे का दृश्य आपको दिखाते हैं। अभी बेट द्वारका का पूरा दृश्य ही चेंज हो गया है, फाइनली आप पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा, मतलब जो जिस जगह पे अच्छा खासा पब्लिक की भीड़ रहता था अभी वो बिल्कुल बंद हो गया, और ये जो पहले हम इधर से ही आते थे और इधर से ही जाते थे तो ये बिल्कुल चेंज हो गया है। तो आगे का दृश्य आपको आगे दिखाएंगे, चलिए फिर। घूमा के थोड़ा बोर्ड बोर्ड कर ले लो, लाओ ले लेता हूँ मैं, अगर तुम थक जाते हो। चालू ही है, चालू नहीं है, बैटरी लो मार रहा है। इसका मोबाइल बोल रहा है, पता ही नहीं चल रहा। आप बेट द्वारका अगर आए होंगे तो बिल्कुल देखे होंगे कि ये जगह बिल्कुल एकदम खचाखच भीड़ से भरा रहता था, मगर अभी बिल्कुल खाली है। देखिए दुकान वाले सब, बिल्कुल दुकान भी सारा सारा उठ गया, दो चार दुकान जिसको जगह मिली उस वो जगह रखा हुआ है, बाकी सब के सब दुकान वाले सब पता नहीं कहाँ गए। चले फिर आगे दिखाते हैं। देखिए ऐसे कुछ थोड़ा बहुत पब्लिक दिख रहा है, ये सोडा वाले सब, बाकी एक साइड तो बिल्कुल पूरा बंद ही हो गया है। ऐसे जा रहे हैं, बस इक्का दुक्का कोई थोड़ा बहुत जो है कि दुकानें बची है, क्योंकि इस तरह से है। देखिए पूरा सब के सब दुकानें, जैसे कि अभी अभी आपने देखा वो बिल्कुल पहले का रास्ता था जो कि एकदम बहुत खचाखच भीड़ से भरी रहती थी, अभी वो साइड देखिए जैसे कि पूरा बंद हो गया है। देखिए अभी ये दूसरा रास्ता जो कि जहाँ के खाना खा लाते थे, खाना के साइड में देखिए इस तरह से अभी इधर से भीड़ हो गया है, जो कि बिल्कुल अभी जो भी पब्लिक आता है इधर से ही आता है। पहले हम लोग बोट से आते थे, जब कि अभी ब्रिज से आने के बाद वहाँ वहीं पे गाड़ी खड़ी रहती है, और उसके बाद फिर क्या है कि वहाँ से 20 रुपया रिक्शा वाले को देने के बाद आना पड़ता है, जो कि 20 रुपया आने का और 20 रुपया जाने का दोनों लगता है। अभी फिर चलिए देखते हैं मंदिर के अंदर का थोड़ा तस्वीर। अभी जगह बिल्कुल अंदर के मंदिर के तस्वीर है तो सब कुछ सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, सिर्फ बाहर चेंजेस हुआ है जो कि आप बिल्कुल देख सकते हैं। फिर चलिए अंदर के भी थोड़ी तस्वीरें दिखाते हैं आपको। ये हो गया मुख्य द्वार जो कि प्रवेश अंदर, इसमें थोड़ा चेंजेस हुआ है कि घूम घूम के जाना पड़ता है, जो कि ज़्यादा भीड़ होने के वजह से अंदर बाहर आदमी ऊपर नीचे खड़े हो जाते थे, इसके वजह से पूरा घूम घूम के दिया गया है, बस यही थोड़ा चेंजेस हुआ है यहाँ का, बाकी टोटल चीज़ सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। देखिए इस तरह से लाइन में खड़े हैं सबका सब, जो भी हुआ है बस वो बोर्ड के साइड ही चेंजेस हुआ है, बाकी सब कंप्लीट है। लोगों का दर्शन हो गया, जो कि कैमरा तो आपको पता ही होगा कैमरा अंदर मंदिर के अंदर ले जाना मना है, तो हमने बाहर से भी अंदर जमा करके गए थे, बाकी सारी जगह का शूटिंग ले लिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, दर्शन कैमरा जमा करके दर्शन करने गए थे। चलिए फिर निकलते हैं। जैसे कि हम लोग पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद वहां से रिक्शा लिया, रिक्शा लेने के बाद देखिए इस तरह से रिक्शा यहाँ लगती है और रिक्शा सामने लगती है, सामने दिखाओ, सामने लगती है। फिर यहाँ से हम लोग पैदल बस थोड़ा सा ही दूर है, जो कि सामने देखिए बस थोड़ा सा ही दूर है,
यहाँ से जाने के बाद बस राइट साइड से द्वारकाधीश का दर्शन हो जाता है। तो इसके बाद फिर वहाँ से वापस फिर इसी रास्ते से हम लोगों को रिक्शा लेके फिर अपने पार्किंग के जगह पे जाना पड़ता है। डेंजर लग रहा है। साइड कर दीजिएगा, साइड करिएगा। इधर ही साइड करिए, लाइट इधर ही है, इधर ही लाइट भी है। ले इसमें तो पहले से फ्लैश लाइट चालू है, अच्छा दिख रहा है बैकग्राउंड। चालू है फाइनली गाइज, वो टाइम आ गया जिसका हमें इंतजार था, शाम का टाइम जो कि अभी का टाइम हो गया है 8:30-9 के करीबन हो गया है। और 8:30 के करीबन होने के लाइट की नजारा जो देख सकते हैं आप, जो कि बहुत जबरदस्त है। अभी देखिए कुछ इस तरह से लाइट क्षण भर में बदलता रहता है, अलग अलग कलर और अलग अलग, ये जितने जो थामले, ये जितने भी ये पाइप जैसा जो दिख रहा है, सब सब में लाइट लगी हुई है हर एक कलर की, जो कि बदलती रहती है। देखिए वहां जाना पड़ेगा और एक वीडियो लेते हैं। यहाँ जाऊ से अटल अटल सरोवर ना ना दिवस हाँ तीन चार वगे 5 निकलो ना अँ थी घरे 5-6 મારી પાસે ગાડી અત્યારે તો આજે તો ભાડે ગઈ છે, હલો ને કોક થી આવીશ હજે ફેમિલી લઈને આવતા, ફેમિલી લઈને આવું
दिवस में फरवा जो है, नाइट में नहीं मेरा उठो કેમ કે લાઇટિંગ નથી ને એટલે ના ના નથી મારું જવાતું પાણી આગળ છે.